जिसको जनता काफी चाहता है। और आज वो भंडारा गोंदिया लोकसभा के जनता के बीच में है, आइए उन्हीं से ही पूछ लिए क्या आगे उनका विचार है। हम आपने कहा वैसे हम भंडारा गोंदिया जिले में घूम रहे कल से, और जो स्थिति हम देख रहे हैं कि भंडारा गोंदिया दोनों जिले में दुष्काल की परिस्थिति निर्माण हुई है और सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत किसान को तुरंत भंडारा गोंदिया जिला दुष्काल जारी करे, विदर्भ में भी वही परिस्थिति, विदर्भ को दुष्काल जारी करे और 25,000 रुपए पर एकड़ किसान को मुआवजा दिया जाए, ये मांग हम करते हैं। बच्चों के फीस पूरी माफ हो जाए, और जो देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले जो किसान की कर्ज माफी की घोषणा की थी उसकी 100% अमल बजावनी फडणवीस सरकार किसान की करे, और जो बिजली है किसानों के लिए वो 24 घंटा प्रवाहित करे, ये मांग हमने बनाया है। और इसलिए राज्य के हर जिले में, हर तालुका में, हर गांव में जाकर कांग्रेस का विचार और राज्य में कांग्रेस की सरकार लाना, यही मेरा उद्देश्य है। और ऐसे समय में मुझे मेरे नेता राहुल गांधी जी अगर कहें कि आपको विधानसभा लड़ना है तो हम बिल्कुल लड़ेंगे, और कहां से लड़ेंगे वो डिसाइड करेंगे तो हम बिल्कुल लड़ लेंगे। और उन्होंने कहा कि आप प्रचार ही करो तो हम प्रचार करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र के बीजेपी शिवसेना की सरकार को निकालकर कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में लाना, यही हमारा दायित्व जाता है। और कांग्रेस की सरकार लाकर महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षित करना, उनको न्याय देना, ये हमारी जवाबदारी है और निश्चित रूप से हम पूरा खरा उतरेंगे। जनता का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस, कांग्रेस लोकतंत्र मानने वाली पार्टी है और कांग्रेस जो भी आंदोलन वगैरह करने की जो बात होती है तो उसमें रोज आंदोलन करना ये भी कांग्रेस का कभी स्वभाव रहा नहीं है। हम चाहते कि लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन जब बात ज्यादा हो जाती है तब निश्चित रूप से कांग्रेस रास्ते पे आती है, और जो भी आपने बताया है उस तरह से जिले में जो परिस्थितियां पैदा हुई है कांग्रेस रास्ते पे आएंगी। और ये जो सत्ता में बैठकर एयर कंडीशन में बैठकर हमारे जनता का खून जिन लोगों ने चूसा है उनको जीना हराम करने का काम कांग्रेस करेगी। इससे बड़ा बस्तर ऑफिस, एसपी ऑफिस तक 32 कैमरा लगा हुआ है और पूरा ओपन चोरी हो रहा है, उसके बाद भी कांग्रेस के नेता लोग चुप रहते हैं। मैग्नेस की चोरी हो रहा है, नेता लोग चुप रहते हैं, और कुछ नेता सरकारी जमीन को खुले आम एकदम लूट रहे हैं, और ये भी कांग्रेस के नेता लोग को मालूम है, फिर आगे क्यों नहीं आते हैं, परेशानी कहाँ हो रहा है? ऐसा है कि कांग्रेस ये सोचती है हमेशा कि जिन लोगों को 5 साल के लिए लोगों ने चुन के भेजा है वो लोगों को काम करने दिया, और अभी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो आपका इशारा जिसके तरफ है, जो लोगों के तरफ है, वही लोग अब डाका डाल रहे हैं लोगों के, जनता के प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आपने जो हम लोगों को आपने जिस तरह से हमको इशारा किया, बिल्कुल कांग्रेस उसके लिए लड़ेंगी और जनता के अधिकार की लड़ेंगे। मैंने इशारा नहीं किया, मैंने सच्चाई न्यूज लगाया। बिल्कुल आप इशारा किसी के तरफ नहीं है। जनता के पैसे को कोई लूटने वाला हो, जनता के अधिकार को लूटने वाला हो, उसके विरोध में कांग्रेस हमेशा लड़ेंगी। और आप कांग्रेस का असर आप देखिए, और बिल्कुल कांग्रेस रास्ते पे आपको लड़ते हुए दिखेंगे।